हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, होली आने वाली है, इसलिए हम आज आपके लिए लाए हैं मीठी मठरी। लास्ट वीडियो में हमने आपको नमकीन मठरी बनाना बताया था, उसी तरीके से बहुत सिंपल वे में हम आपको बहुत ही सुंदर मीठी मठरी बनाना सिखाएंगे, क्योंकि नमकीन के साथ मीठे का मेल तो बनता ही है। इसके लिए लिए हमने एक कटोरी मैदा, थोड़े से इलायची के दाने और चाशनी बनाने के लिए एक कटोरी चीनी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मैदा को लगा लेंगे, जैसे कि हमने अपने लास्ट मठरी वाले वीडियो में आपको बताया था मैदा लगाने का सिस्टम। उसमें हमने सूजी भी मिक्स की थी, यहाँ हम सूजी मिक्स नहीं कर रहे हैं। हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें हमने मैदा डाल दी है, इलायची के जो दाने हमने निकाले हैं ये भी डाल दिए हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें अगर आप रिफाइंड ऑयल डालना चाहते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल डालिए, अगर आप घी का मोहन डालना चाहते हैं तो आप घी गरम करके डालिए। देखिए, मैंने इसमें घी गरम करके रखा हुआ है, उसका मोहन डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए, मैंने मोहन अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें मोहन का पता इस तरह से लगाना है, आप हाथ में लेके इसको ऐसे बांध के देखिए, लड्डू की तरह, ये लड्डू की तरह मैदा बन जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डाल करके इसको गूंद लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैदा को मैंने बहुत अच्छे से लगा लिया है, हमें बहुत ज़्यादा टाइट या लूज नहीं लगाना है। अब आप हम जो भी रिफाइंड ऑयल या घी, जिसमें भी हम मीठी मठरियों को तलना चाहते हैं, फ्राई करना चाहते हैं, वो हम गैस पे गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख देंगे। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया है, तब तक हम मठरी तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम इसमें से आटा लेंगे, गोल कर लेंगे और इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है हमें। अगर चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए, ताकि बेलने में सुविधा रहेगी। देखिए, मैंने बेल लिया है इसको। अब हम किसी भी तीखी चीज की सहायता से इसमें गोल गोल निशान लगा लेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से गोल गोल बना लिए हैं। अब हम इस पे डिजाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैं गोल गोल निशान लगा लूंगी बीच में, हमें कट नहीं करना है, सिर्फ निशान लगाना है। मैंने इसमें हल्का सा निशान लगा लिया है, ऐसे ही मैं इन सब में निशान लगा दूंगी। अब हम इसको चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। देखिए, मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इसको एक छोटे कांटे की सहायता से थोड़ा सा इस तरह से उठा लेंगे, क्योंकि नीचे चिपका हुआ है तो हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं हो, और इसमें ऐसे डिज़ाइन कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है।
बीच में हम कुछ इस तरह से कर देंगे, क्योंकि हम ये फ्लावर बना रहे हैं इसलिए। अब हम इसको पत्ती की शेप दे देंगे। देखिए मैंने इसको पत्ती की शेप दे दी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अच्छे से इसको पत्ती की शेप दे दी है। इसी तरह से हम सारी मठरियों को तैयार कर लेंगे और डीप फ्राई कर लेंगे। अब हम सभी मठरियों को धीरे धीरे इसमें कढ़ाई में डाल देंगे और इनको डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से इनको फ्राई कर लिया है। अब हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मठरियाँ फ्राई कर ली हैं। बहुत ही सुंदर लग रही हैं देखने में, बहुत ही प्यारा फ्लावर डिज़ाइन आया है इस पे। अगर आप चाहें तो फ्लावर डिज़ाइन की बना सकते हैं, आप चाहें तो लच्छा मठरी भी बना सकते हैं। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था लच्छा मठरी बनाना। तो देखिए मैंने कुछ मठरियाँ यहाँ पे लच्छा बनाई हैं, कुछ फ्लावर वाली बनाई हैं। अब हम इन पे चाशनी लगाते हैं। चाशनी बनाने के लिए आप भगोनी ले सकते हैं या कढ़ाई ले सकते हैं। मैंने कढ़ाई ली है। हमने 1 कटोरी चीनी ली थी, चीनी मैंने कढ़ाई में डाल दी है। आधा ग्लास हम पानी डाल देंगे और गैस के फ्लेम को तेज कर देंगे। मैंने गैस का फ्लेम बढ़ा दिया है, धीरे धीरे हिलाते रहेंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। चीनी ऑलमोस्ट घुल गई है। अब हम बॉईल होने का वेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उबाल आने लग गया है। हमें तब तक इसको उबलते रहने देना है जब तक कि एक तार की चाशनी ना बन जाए। चाशनी बहुत अच्छे से पकने लगी है। हम कुछ इस तरह से चाशनी को चेक करेंगे। आप चम्मच पे चाशनी को लीजिए। देखिए अभी तो ड्रॉप आ रहे हैं, तार नहीं आ रहा है। अभी हम थोड़ी सी देर वेट और करेंगे, क्योंकि अभी हमारी चाशनी में तार नहीं बना है। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। देखिए फ्रेंड, चाशनी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, तार बनने लग गया है। देखिए फ्रेंड, चाशनी एकदम रेडी हो चुकी है। अगर हम इसको और बॉईल करेंगे तो चाशनी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हम इसमें मठरियों को डाल देंगे।
एक दो मिनट के लिए हम मठरियों को चाशनी में ही रहने देंगे ताकि ये मीठी हो जाएं। देखिए फ्रेंड्स, हमें दो मिनट के आसपास हो गया है। अब हम मठरियों को धीरे धीरे निकाल लेंगे इसमें से ताकि इसकी पत्तियाँ टूटे नहीं, क्योंकि फ्लावर शेप की हमने मठरियाँ बनाई हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हमारे फ्लावर टूट ना जाएं, और हम इनको धीरे धीरे इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें बाकी की सारी मठरियों को भी चाशनी में डिप कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब पे अच्छे से चाशनी लगा ली है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चाशनी लगा ली है। फ्लावर मठरी पे भी चाशनी लग चुकी है, लच्छा मठरी पे भी चाशनी लग चुकी है। अब होली के ओकेजन पे आप प्लीज ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।